थर्ड नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन से आपका रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, आपको यहाँ पे चार तरह के कंपाउंड दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज बेंजीन। ठीक है, फर्स्ट आपको दिया हुआ है बेंजीन, सेकेंड आपको दिया हुआ है टोल्यूइन। मैक्सिमम स्टूडेंट जो यहाँ पे गलती करते हैं वो कॉमन नेम से रिलेटेड करते हैं, जैसे टोल्यूइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टोल्यूइन का स्ट्रक्चर ही पता नहीं होता, तो वो कैसे रिएक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एसेंशियल पॉइंट होता है वो ये है कि आपको स्ट्रक्चर कॉमन नेम का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग देखें सेकंड पॉइंट पे, तो आपको दिया हुआ है टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन पे CH3। थर्ड पॉइंट आपको, थर्ड जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, और फोर्थ आपको दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है इसमें कि जो ESR का रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा। सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन जब पड़ेगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस पे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो, तो ऑर्थो पेगा और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। और यदि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पेगा ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली ESR की जो रिएक्टिविटी है वो कौन बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ESR की रिएक्टिविटी को यदि हम लोग कंपेरिजन करें, रिएक्टिविटी को हम लोग कंपेयर करें किससे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होता है उतना ज्यादा ऑर्थो पेगा और ऑर्थो कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से अटैक कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ यदि हम लोग देखें तो CH3 यदि टोल्यूइन स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस H। ठीक है, प्लस M तो लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स या डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ यदि हम लोग देखें तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद यदि Cl को यदि हम लोग देखें तो Cl भी प्लस M इफेक्ट लगाता है, लेकिन Cl के केस में माइनस I इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस M, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। तो यदि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो माइनस I ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है हैलोजन्स के केस में प्लस M के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं माइनस I से ज्यादा, माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग है क्लोरोबेंजीन के केस में। हम लोग यहाँ पे देखते हैं NO2, NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट। इसके केस में क्या होना चाहिए, ऑर्थो पेगा और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में से क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं, माइनस N। स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं यहाँ उनको यही पहचान में नहीं आता कि विच ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विच ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मतलब किस पे प्लस H इफेक्ट लगेगा, किस पे प्लस M लगेगा, किस पे माइनस M लगेगा। तो ये हम लोगों को उसमें देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करेगा तो ऑर्थो पेगा ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब उस पोजीशन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, 2 की, देन पे उसके बाद किसका होना चाहिए, 1 पे, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका होना चाहिए, 3 का, और सबसे लास्ट में यहाँ पे जाएगा 4 का। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जो कि हमारा ऑप्शन C से मैच हो रहा है, मतलब ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर।